जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये बेवल ऑलरेडी बन चुकी हुई है, और पहले जो मैंने आपको दिखाया उसमें हमने ये पुट्टी लगा दी हुई है, क्योंकि ये लेमिनेशन जॉइंट है, और लेमिनेशन जॉइंट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो स्पेशली लेमिनेशन जॉइंट के लिए है, ठीक है। अब ये पुट्टी फिटअप की लग चुकी हुई है, ये देखें हमने जॉइंट्स कंप्लीट इसको कर दिए हैं, यानी फिटअप इसका कंप्लीट हो चुका है। 4 इंच का पाइप है और इसकी जो है ना पुट्टी वगैरह लग गई है। अब हम इसको सेल्फ क्योरिंग के लिए छोड़ रहे हैं। सेल्फ क्योरिंग के बाद इसको हल्का हल्का सा ऊपर से ग्राइंड करेंगे, बाकी जैसे जैसे स्टेप बाई स्टेप हम लोग करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स भी देने हैं, ओके। तब आप लोगों को मैं बता रहा था लेमिनेशन जॉइंट, ठीक है। तो लेमिनेशन जॉइंट, अब जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी फिटअप सारा डन हो चुका हुआ है, उसके बाद पुट्टी लग गई। पुट्टी को हमने तकरीबन कोई 4 घंटे के लिए छोड़ा, क्योंकि इन्वायरमेंट अभी जो है ना थोड़ा ठंडा है, पहले जैसा टेम्परेचर नहीं है, इस वजह से अब तकरीबन 4 घंटे के बाद अभी इसको ऊपर से ग्राइंड वगैरह कर लिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने ग्राइंड कर दिया, क्योंकि सबसे पहले जब फिटअप करना है, फिर पुट्टी लगानी है, फिर उसको सेल्फ क्योरिंग देनी है, फिर जो चौथा स्टेप है उसको ग्राइंड करना ऊपर से, उसके बाद ग्राइंड करने के बाद अब जो है वो फिटअप लेयर लगानी है, ठीक है। अब ये जॉइंट जो नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसके ऊपर अब फिटअप लेयर लगेगी। फिटअप लेयर जो है ना वो 8 लगनी है एज़ पर रेसिपी, ठीक है। वो आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों ने प्रोसीजर को फॉलो करना है और उस हिसाब से आप लोगों ने लगानी है। हमारे प्रोसीजर में 8 है, 8 लेयर फिटअप की लगेंगी, उसके बाद हम फिर इसको छोड़ेंगे, ठीक है। फिटअप लेयर लगा के फिर हम इसको छोड़ेंगे सेल्फ क्योरिंग के लिए, फिर उसको हीट करेंगे हम। हीट करने के बाद फिर जो है फाइनल लेयर लगेंगी, वो जैसे स्टेप बाय स्टेप लगेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।